माँ उमा के संग विवाह हुआ और कैलाश धाम पर आए। और कहते क्या स्वरूप महादेव का, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बस ही तहां सुप्रीति सकल सेव ही शिव सुख कन। एक बार ते ही तर प्रभु गयो तरो विलोक और अति सुख भयो। निज कर दास नागर पुषाला बैठे सहज शंभु कृपाला। कितना समय बीत गया, विवाह हुए महादेव और उमा जी का, कैलाश धाम का सुंदर वातावरण, सुंदर शीतल पवन बह रही है। और भोलेनाथ एक दिन प्रभात के वक्त में उठे और चले एक वट वृक्ष के तले अपना आसन बिछा रहे हैं। निज कर दास नागर पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गोर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदुबा। बड़ा सुंदर स्वरूप महादेव का, और अपना आसन बिछाया महादेव ने वृक्ष के तले और महादेव बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम। लोचन बड़े सुंदर बड़े विशाल। गौर वदन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। बड़े सुंदर सर्पों के आभूषण महादेव के। और बैठे हैं नेत्र बंद, सहज समाधि भोलेनाथ की। और उच्चारण हो रहा है, हृदय बार बार उच्चारित कर रहा है, श्री राम 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 शब्द उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि एक यही तो है जिसमें भोलेनाथ डूबे हुए हैं, जिस नाम में मन डूबा हुआ, जिस नाम में आत्मा रमन कर रही है। मैंने पहले भी कहा था, राम का अर्थ केवल और केवल ऐतिहासिक शब्द से मत कर लीजिएगा। राम का गुड़ अर्थ यही है कि जिस नाम को जपते जपते आपका मन उसमें रम जाए, जिस नाम में आपकी आत्मा डूबने लगे, जिस नाम को जपते जपते आपको परम एहसास होने लगे, परम स्वाद आने लगे। एक दिव्यतम स्वाद, संसारिक स्वाद नहीं, एक दिव्यतम महाप्रसाद आपको मिलने लगे। वो अलौकिक छटा, वो अलौकिक आनंद आपके भीतर महासागर की तरह उफरने लगे। समझिएगा वो नाम, भले भले वो आप कुछ भी कह लीजिए, बोले आप अल्लाह करें, बोले आप वाहेगुरु जपिए, कोई नाम जपिए, लेकिन जिस जिस शर्त एक ही है, या शर्त अवश्य है कि जिस नाम को जपते जपते आपका मन तृप्त होने लगे, मन शांत होने लगे, मन आनंदित होने लगे और मन पा जाए उस ब्रह्म को, एक सुखद चिंतन मन अपने आप सहज करने लगे। तो सोचिए, जिसको जपने के बाद आपकी जीवंत धारा को इस बात का अनुमान हो जाए, अनुभव हो जाए कि मेरा लक्ष्य प्रभु है, संसार नहीं, समझेगा वो आपके राम हो गए। महादेव बैठे हैं, क्या अनुपम रूप। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदुबा। अभी भोलेनाथ आकर बैठे ही हैं और कहते भवानी ने देखा, बोले ये उचित समय है भोलेनाथ से मन की बात करने का। और देखो आज उमा क्या मन की उमंग लेकर आ रही है। आज जो उमा आकर प्रश्न करेंगी भोलेनाथ से, इसी प्रश्न के माध्यम से आज श्री राम कथा रूपी परम गंगा की धारा प्रवाहित होगी, उस हृदय से प्रकट होंगे। आज अंतर समाधि से राम कथा रूपी गंगा का प्रगट हो जाएगा। कौन सा हृदय, कौन सी समाधि? महादेव की अंतर आत्मा से निश्चित ये गंगा आज बाहर आएगी। जो अभी तक भीतर थी वो बाहर प्रकट होगी, जो समाधि में थी वो आज संसार को प्रसाद रूप में मिल जाएगी। लेकिन कब? अब भवानी माध्यम बनेगी। महादेव बैठे हैं सहज, बिल्कुल सहज। हे विश्वनाथ शंभो, हे गोरेनाथ शंभो, हरिओ हरिओ हरिओम नमः शिवाय, हरिओम 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 नमः।
और गोस्वामी कहते ठीक उसी वक्त भवानी आई है। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहे मात भवानी, गई शंभु पहे मात भवानी, जान प्रिया आदर अति दीना, जान प्रिया आदर अति कीना। महादेव कितना आदर दे रहे, भवानी को देखकर महादेव आदर दे रहे हैं। आसन बिछाया किशोर अपने बाई ओर, बाई ओर आसन प्रदान किया। जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदत तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदत पुरारी, प्रभु समहत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधार, समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प धरुनाम, जो मो पर परसन सुख रासी, जो मो पर परसन सुख रासी। भवानी कह रही है महादेव देखा बड़े प्रसन्न है, अपने बाम भाग में आसन दे दिया। क्यों? सती रूप में जब सीता का रूप धारण किया तो महादेव ने बाम भाव से आसन को अलग कर दिया और आज वही आदर फिर मिला। बाम भाग में बिठाया, सम्मान किया और देखा सती ने, महादेव बड़े प्रसन्न है। अब मौका है मन की बात करने का। जब पति बड़ी मूड में हो तो पत्नी देखकर अपने मन की बात कर लेती है, भवानी को अवसर मिल गया। लेकिन जो आज भवानी कह रही है, जो हृदय से प्रकट हो रहा है, क्या अलौकिक है। भवानी ने कहा जो मो पर परसन सुख रासी, जो मो पर परसन सुख रासी, जानिए सते मोहि निज दासी, जानिए सते मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प धरुनाम। आज मौका मिला, भवानी को सहज मन का भाव महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। देखो कभी ऐसा मौका मिल जाए, कोई संत महात्मा मिल जाए, तो हृदय के भाव को उनके चरणों में अर्पित कर देना।
फिर समाज की चर्चा अधिक मत करना। अक्सर लोग क्या होता है, संतों के पास भी जाते हैं तो समाज की चर्चा ही करते रहते हैं। अपने घर की चर्चा कर ली, घरेलू चर्चा कर ली, अपने जीवन की व्यथा आगे कर दी। नहीं, कभी कभी संतों के करीब बैठ कर केवल मौन हो जाइए बस। अगर संत बात करना चाहता है, अच्छी बात है, कीजिए। अगर उसका मन बात करने का तो कर लें, लेकिन अगर संत मौन बैठना चाहता है तो फिर उस संत के मौन का आनंद लीजिए। फिर जबरदस्ती बातों में लगाने का प्रयत्न मत कीजिए। केवल उसकी मौन स्वीकृति को स्वीकार कर लीजिए, उसमें भी परम आनंद है। और देखो, जो मौन में आनंद मिलेगा वो बात करके नहीं मिलेगा। भले ही जीवन का कितना कष्ट हो, दुख हो, आप किसी संत के चरणों में जाकर बैठ जाइए, सदगुरु की एक नजर पड़ेगी, भक्त की एक नजर पड़ेगी, आपके एक जन्म क्या अनंत अनंत जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाएंगे, सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। केवल एक बार उनके चरणों का आश्रय ले लीजिए, एक बार भाव से वहां जाकर बैठ जाइए। और अगर बात ही करनी है तो फिर कुछ भगवत चर्चा कीजिए, कोई और बात नहीं, उसके अलावा कोई और बात करनी भी नहीं चाहिए। आज देखो, महादेव के करीब भवानी आई और देखा महादेव के मन को, बड़े आनंदित है महादेव, आज बड़ा अलौकिक तेज महादेव के, और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है महादेव, और मुखारविंद से नित्य प्रति राम राम का स्मरण हो रहा है। भवानी को मौका मिला, बड़े प्रेम से आकर कितना सहज कह दिया, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, हे महादेव अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं। और क्या शब्द कहे, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, प्रभु मेरे अंतर के अज्ञान को हरण कर लीजिए। अब कौन सा अज्ञान है, सती रूप में माँ आई थी, थोड़ा अज्ञान कहीं कहीं दिखता है ऐसा होगा, जबकि सती जगत जननी है, उसके मन में कोई अज्ञान नहीं है, कोई अंधकार नहीं है। लेकिन कई बार भगवत लीला करने के लिए, कुछ कौतुक करने के लिए भगवान कृष्ण को लीला कर देते हैं, बस अपने भक्तों को माध्यम बना, अपने संतों को माध्यम बना लेते हैं। बोले सती के मन में संदेह हुआ, सीता रूप में परीक्षा कर ली, उसी बात का जिक्र आज भवानी करती है, मेरे मन में भी अज्ञान है, और प्रभु आप महादेव कृपालु हैं, दयालु हैं, आप कृपा कीजिए और मेरे अंतर के अज्ञान को हरण कर लीजिए। कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, और अब मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। देखो, पूर्व जन्म में गुरुदेव के प्रति शंका थी, कथा के प्रति शंका थी, और रघुनाथ जी के प्रति भी शंका थी, पर अब की बार आई साधना की, तब किया महादेव की प्राप्ति की, तो भवानी के अंदर की कोई शंका नहीं रही। जबकि कह रही है, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, और महादेव आप कृपा कर दीजिए मेरा अज्ञान हरण करके, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, मुझे रघुनाथ जी का चरित्र सुनाइए। फिर प्रश्न करती, बोले राम कौन है, क्या वही दशरथ के पुत्र, सीता के पति, जिसका आप दिन रात स्मरण करते हैं, क्या उस राम में कोई भेद है, क्या वो राम बिलग है और वो राम बिलग है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आरती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई, जो नृपतन्य ते ब्रह्म किमी, नारि बिरे मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोरी। मेरी बुद्धि में उतर नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या ये दोनों राम भेद है, निर्गुण कौन है, सगुण कौन है, इनमें अंतर क्या है। महादेव आप कृपा करेंगे। और जब भवानी ने इतनी बात की, रघुनाथ जी की बात कीजिए, रघुनाथ की कथा किसी माध्यम से मुझे सुनाइए, श्रवण करवाएं, तो कहते महादेव का मन आनंद से भर गया। हे हर ये राम चित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप युरियावा, परमानंद अमित सुख पावा। राम सुनते ही भवानी के मुख से महादेव का बदन में रोमांच हो गया, मन आनंद से भर गया, पुलकित हो गया, परमानंद अमित सुख पावा, बड़ा सुख मिला महादेव को, अमित सुख मिला, बड़ा आनंद मिला महादेव को सुनकर। सहज नेत्र बंद हो गए राम नाम सुनते ही, सहज समाधि सी लगने लगी महादेव की। अभी जागृत थे, भवानी के मुखारविंद से राम शब्द क्या सुना, जैसे चित्त भीतर चला गया, जैसे अनंत गहराई में चली गई, एकदम अंतर समाधि लग गई।
और फिर जो राम कथा रूपी गंगा में निश्रित होगी वो महादेव के अंतर के घट से समाधि से प्रकट होगी। 111 नंबर ध्रुव पर आए, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की। गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये नहीं है कि भवानी ने आकर कहा राम कथा सुनाई और महादेव शुरू हो गए, नहीं, थोड़ा शब्द सुनिए। इतना आनंद प्रकट हुआ कि महादेव की समाधि लगी, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की। पहले समाधि लगी, अंतर मन में इतना आनंद हुआ, नेत्र सहज बंद हो गए, भीतर घट की यात्रा पर चले गए महादेव, और फिर भीतर से जो राम कथा रूपी गंगा अब दिखी दिखाई दी वो महासागर अब प्रकट हुआ। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने ली। और अब महादेव राम कथा की ओर लेकर जाएंगे, और सबसे पहले महादेव ने बाल रूप राम जी की स्तुति की है, जो अवध बिहारी हैं, जो अयोध्या में दशरथ महाराजा के प्रांगण में खेल रहे हैं, उस बाल रूप की स्तुति करते हैं महादेव। आप ध्यान से देखिए, जिस वक्त भवानी ने प्रश्न किया, अंदर से ये गंगा प्रकट हुई, तो महादेव गा रहे हैं, बंद हो बाल रूप सोई राम, सब सीधी सुलभ जिस नाम, सब सीधी सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ बिहारी, द्रव हो सुदशरथ अजर बिहारी। महादेव ने राम जी की बात कहां से की, बोले बंदव रा बाल रूप राम जी, उसको मैं नमन करता हूँ, बंदु माने नमन करता हूँ, किसको, बाल छवि को। मंगल भवन जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल हारी जो अमंगलों का नाश करने वाले हैं, और आगे क्या कहा, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, इसका अर्थ क्या है, द्रवहु, आप सबको ये छुपाई आती है ना, जिस जिसको आती है बताओ जरा हाथ खड़े करके, थोड़ा गालो, ये तो बिल्कुल आम छुपाई है, हर व्यक्ति को पता है, मंगल भव सुदशरथ अजर बिहारी, सुदशरथ अजर बिहारी, सुदशरथ माने दशरथ जी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, अजर माने प्रांगण, खेल रहे हैं कौन, बिहारी जी। बोले मैं उस बाल छवि रघुनाथ जी को बार बार नमन करता हूँ, जो मंगल करने वाले हैं, अमंगलों का नाश करने वाले हैं, और भक्त के प्रेम के वशीभूत आज महाराजा दशरथ के प्रांगण में विहार कर रहे हैं, उस बाल छवि को नमन है। प्यास बुझत ना बुझाई, जिए की ये प्यास राम कथा की महिमा गा ना बुझाई, राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दान, राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दान, समाज सुर लोक सब, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान,
राम कथा सुंदर कर। राम कथा सुंदर कर तारी। देखो महादेव क्या कह रहे हैं, राम कथा सुंदर कर, कर माने हाथ, राम कथा तारी के समान है। कैसे बोले, जिस प्रकार मान लो वृक्ष पर पक्षी बैठे हो, आप ताली बजाइए, ताली बजाते सब उड़ जाएंगे। बोले ऐसे राम कथा भी है, ये राम कथा वो सुंदर तारी है जिसके बजते ही आपके जीवन के जितने दुख रूपी कष्ट रूपी पक्षी हैं वो साथ के साथ उड़ जाएंगे। अब जिसको उड़ाना है तो बोलिए, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिह गय उड़ाव निहारी, संशय बिह गय उड़ाव निहारी, राम नाम गुण चरित सुहाए, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, श्रुति गाए, यथा अनंत राम भगवान तथा तथा कीर्ति गुणगान, 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 काशी मरत जन तो अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जास नाम बल कर बिसोकी, जास नाम बल कर बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचुर स्वामी, सोई प्रभु मोर चरा सब उर अंतरयामी, रघुवर सब उर अंतरयामी, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले राम नाम की महिमा इतनी ज्यादा है, महादेव कहते बोले काशी में जो आता है उसको मुक्ति भी राम नाम के माध्यम से प्रदान करता हूँ। जो लोग काशी में गए हैं, कौन कौन गए हैं,